फ्रेंड्स कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। वीडियो है ड्रोन लवर्स के लिए। मैविक मिनी लॉन्च हो चुका है और काफ़ी लोग इसके इंतजार में हैं, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा। तो और जैसे हमने टाइटल पढ़ लिया कि मैविक एयर लें, स्पार्क लें या हम लें मैविक मिनी, तो इस सवालों का जवाब आपको मैं देने वाला हूँ। इसमें ये कंपैरेटिव वीडियो नहीं है, एक सजेशन है, एक ओवरऑल सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए कौन सा हमारे मतलब इंडियंस के हिसाब से, क्योंकि इंडियंस आर बजट फ्रेंडली, इंडियंस मतलब देखते हैं मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो इसमें आपको डिसाइड करने को हेल्प मिलेगी। और किन फैक्टर्स में आपको मैविक एयर या स्पार्क अगर आप लेना चाहते हैं वो लेना चाहिए, मैविक मिनी के ऊपर फोकस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैविक मिनी जल्द ही इंडिया में आने वाला है और नवंबर के नेक्स्ट वीक या लास्ट वीक तक आपको मैविक मिनी मिलने लग जाएगा इंडियन बाज़ार में। और अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको डिटेल मैं दे दूंगा कैसे मिलना है, कहां से मिलना है। और डेफिनेटली और कुछ इस रिलेशन में हो पाया तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि काफ़ी ड्रोन लवर्स चाहते हैं मैविक मिनी को लेना और लेना भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मैं कहूँगा बेस्ट ड्रोन है DJI का इंडिया के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से और जो जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से। तो वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले इनिशियली बिगनर ड्रोन जो अच्छा मैं कहता था कि जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और थोड़ा उड़ाने में अच्छा लगेगा, कैमरा उसमें बेकार था, मतलब यूजेबल नहीं था यूट्यूब वीडियोज़ के हिसाब से, तो वो था टेलो। अब तब एंट्री लेवल में हम कहते थे कि स्पार्क है, कि आपको थोड़ी अच्छी फुटेज लेनी है यूजेबल तो आप स्पार्क में जाइए। लेकिन अब जब से मैविक मिनी लॉन्च हुआ है और जो उसकी स्पेसिफिकेशन रिवील हुई हैं, तो मैविक मिनी शुड बी द बेस्ट बिगनर ड्रोन। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मैविक एयर वगैरह भी लेना सोच रहे हैं तो वो भूल जाइए, उसको कैंसिल कर दीजिए, मैविक मिनी लीजिए। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि बहुत ही स्मार्टली 249 ग्राम्स में इस वेट रेंज को क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि 250 ग्राम से नीचे इंडिया में ही नहीं बाकी सब जगह पर भी ये कहा जाता है कि 250 ग्राम से अगर नीचे ड्रोन है तो उसको कुछ रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेगुलेशंस मतलब रजिस्ट्रेशन वाली, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, ड्रोन रजिस्टर कराना पड़ता है, तो ये चीज़ें ये तामझाम उसमें हट जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि जो मोस्ट ऑफ देम जो हमारे बेसिकली जो ड्रोन फ्लायर्स हैं वो हॉबी के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, और हॉबी के साथ वो चाहते हैं कि थोड़ा फुटेज अच्छा है तो वो सिनेमेटिकली उसको यूज़ कर पाएँ, तो वो ऐसे ड्रोन्स की तलाश में थे। तो इस तलाश में पहले काफ़ी कॉम्पैक्ट ड्रोन्स लॉन्च किए गए DJI की तरह से। मैविक एयर आया काफ़ी छोटा है, स्पार्क आया काफ़ी वो भी कॉम्पैक्ट है, लेकिन इनमें क्या फैक्टर था, इनमें 250 ग्राम से ऊपर है, तो 250 ग्राम से ऊपर होने की वजह से ये आ जाते हैं माइक्रो कैटेगरी में, और ढंग की फुटेज लेने तो ये लेने पड़ते थे। लेकिन अब मैविक मिनी जब से लॉन्च हुआ है तो उसमें आपको 2.7K तक की फुटेज मिल जाएगी, वो फुल HD से काफ़ी बेहतर होती है, ऑलमोस्ट डबल रेजोल्यूशन है फुल HD से। 4K नहीं मिल रहा तो कोई डाउट नहीं है, 2.7K में बहुत अच्छा रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा सिनेमेटिक आप शॉट्स ले सकते हैं। नंबर दो, 249 ग्राम होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कराने का कोई चक्कर नहीं है उसको, आप बहुत अच्छे से हर जगह उसको बेधड़क नैनो ड्रोन कह के उड़ा सकते हैं। नंबर थ्री, प्राइवेसी पे ज़रूर ध्यान रखें, प्राइवेसी भी रेगुलेशन में आते हैं, किसी की प्राइवेसी को भंग मत कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें अगर ये नैनो आ गया और आपको कैमरा अच्छा मिल गया तो आप बेधड़क जो मर्जी करें, तो रेगुलेशन पे अप्लाई करें कि कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है या किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं करना है आपने। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन वाला तामझाम है उससे आप बच जाएंगे इसमें, और बेधड़क इसको उड़ा पाते हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये नैनो कैटेगरी में आता है और इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। फीचर्स की बात करें तो स्पार्क से कैसे बेटर है, अब कंपैरिजन सीधा सीधा मैं करूँगा स्पार्क और इसमें, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन बनता है। मैविक एयर क्यों नहीं लेना चाहिए, मैविक एयर का ये है, एक तो वो थोड़ा इससे एडवांस, थोड़ा सा एडवांस मिलेगा और थोड़ा महंगा होगा आपके लिए, तो आप इतने पैसे खर्च करेंगे। उसके बाद आपको बैटरी, अगर आप सिंगल लेते हैं तो सिंगल पैकेज आपको मिलेगा नहीं, आप कॉम्बो ही इंडिया में ज़्यादातर अवेलेबल है, तो वो अराउंड 75 क्रॉस करता है, तो इतना पैसा जब आप लगा रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मैविक एयर और एक एडवांटेज इससे क्या है, बस 4K आपको मिलेगा।
पर इतने तामझाम करने के बाद उसको हम ढंग से जब तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उड़ा नहीं पाएंगे। हमारे पास मैविक एयर है, ये पड़ा पीछे, अब मैं इसको इतनी फ्रीली नहीं उड़ा सकता क्योंकि ये अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है इसके लिए क्योंकि ये माइक्रो कैटेगरी में आता है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप थोड़ा सस्ते में जाते हैं, स्पार्क रेंज में जाते हैं, तो उस वो भी माइक्रो कैटेगरी में आ जाता है और उसमें भी आप इतना पैसे खर्च करेंगे 45-46 हज़ार के आसपास पड़ेगा। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 42 का मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन के चक्कर पड़ेंगे। और ड्रॉबैक्स उसमें ये होंगे एज़ कम्पेयर टू मैविक मिनी कि आपको फुल HD कैमरा मिल रहा है, बैटरी लाइफ कम मिल रही है और आपको गिम्बल का जो एक्सिस है वो 2-axis गिम्बल है। तो इस लिहाज से मैविक मिनी बहुत अच्छा है क्योंकि मैविक मिनी में रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी आपको। मैविक मिनी आपको अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कैमरे में, 3-axis गिम्बल देगा आपको, सिनेमेटिक शॉट्स आपको मिलेंगे, मतलब आगे ढंग से उड़ाएंगे। सेंसर इसमें कोई नहीं है, मैं सेंसर को वैसे भी परवाह नहीं करता। पहले भी मेरे अगर आपने वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि सेंसर्स को मैं कभी यूज़ नहीं करता और अच्छे ड्रोन फ्लायर को कभी सेंसर्स के ऊपर डिपेंड होना भी नहीं चाहिए। सेंसर्स एक आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं और ज़रूरी नहीं है उनको यूज़ करना। तो आप अच्छे से ड्रोन यूज़ करें, अच्छे से फ्लाई करेंगे तो सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेंसर इसमें नहीं है तो ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। इसमें सभी ऐसे फीचर्स हैं जो एक अच्छे ड्रोन में होने चाहिए। सबसे बड़ा स्टेबलाइजेशन, 3-axis स्टेबलाइजेशन मिलेगी। नंबर 2, रेगुलेशन का चक्कर नहीं है। नंबर 3, 2.7K तक आपको रेजोल्यूशन मिलेगा कैमरे का। एंड और क्या चाहिए आपको? नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल गया था, 30 मिनट्स की बैटरी क्लेम की है जो कि बहुत ज़्यादा है इस रेंज में। फैंटम 4 की 30 मिनट्स जैसी और मैविक 2 प्रो की भी वो इतने पैसे खर्च करके 1-1.5 लाख तब आपको मिलता है और ये आपको आई थिंक 40 की रेंज के आसपास मिल जाएगा इंडिया में। और बैटरी बैकअप इतना अच्छा लिख रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम 24 मिनट का या 23 मिनट का आपको बैकअप 100% ये देगा। तो कैसे हैं आपके सुझाव? तो कंक्लूजन करते हैं इसका कि अब तक का बेस्ट जो अब ड्रोन है एंट्री लेवल पे जो कि आपको अच्छी यूजेबल फुटेज प्रोवाइड करवा सकता है तो वो है DJI का मैविक मिनी। स्पार्क को छोड़ दें, एयर को छोड़ दें, मैविक मिनी अपनाएं क्योंकि ये मैक्सिमम बिकने वाला है। क्योंकि इसमें सब फीचर्स आपको मिल गए हैं, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, रेगुलेशंस के मामले में अच्छा है, कैमरे के मामले में अच्छा है, सेंसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बैटरी के मामले में अच्छा है, मैविक एयर से भी इसकी अच्छी बैटरी है। तो इट इज़ प्योर वैल्यू फॉर मनी ड्रोन। इसमें आपको कम पैसे खर्च करके इतनी बढ़िया स्टेबलाइज फुटेज मिलेगी, इतना अच्छा आपको फ्लाइट टाइम मिलेगा, इतना कॉम्पैक्ट है, आराम से रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं और नंबर 4 रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आपको DJI ने इस ड्रोन में दे दिया है और ये यूं बिकेगा जैसे ही इंडिया में आएगा। और बने रहे वीडियो के साथ, आपको ज़रूर मैं बताऊँगा कैसे कब आएगा और ज़रूर आप बाय करें। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन एंड आई recommend it। और जैसे हो सकेगा शायद इसमें आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाए बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट, इट इज़ वेरी गुड ड्रोन। और जेब में इसको कहते हैं असली जेब में आना, पॉकेट ड्रोन इसको कहेंगे, पाम साइज का और इतने अच्छे फीचर्स वाला। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो एंड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाय gadgetmadam.com। जाकर जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी।